समय के बाद राजनीति में अपना विकल्प के मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा आशीर्वाद रहा। इंडिपेंडेंट बन के गया मुझे जिले में और सातों की वजह से मुझे उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रेजिंग मिली कि मैं मिनिस्टर बना। मुझे जैसा डी सी साहब ने बताया और जेल और एनर्जी का मुझे डिपार्टमेंट बन गया, इससे मैं उनकी टीम का एक मेंबर बनकर सेवा कर सकूँ। मैं सभी अधिकारियों से खास करके जो मेरे डिपार्टमेंट का बना है मैं उनसे ही कहूँगा कि हमें एग्जीक्यूट करना है और सभी बहुत क्वालिफाइड आदमी हैं, सभी मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो सकता होगा, पर मैं अपना मन में नियम बना के बैठा हूँ मैं ये वन परफॉर्म करूँ और मेरे से बढ़िया किसी मिनिस्टर की परफॉर्मेंस नहीं, ये मेरी मन की प्रतिज्ञा है। परमात्मा की दया से अच्छे घर में पैदा हो गया, माँ की उससे ज़्यादा रोटी मिल गई, ठीक एजुकेशन मिली, बड़ी अच्छी जगह एजुकेशन मिली हुई है, किसी चीज़ की कमी नहीं, कहीं लेन देन के चक्कर में नहीं, कहीं किसी को माइनस प्लस करने के चक्कर में किसी से हमारा बिगाड़ नहीं। मैंने जो मुझे ड्यूटी दी है वो सुनकर तय कर मैं बहुत बढ़िया तरीके से करूँ, एक ये रिमार्केबल काम बने इसमें मुझे आपका कॉन्ग्रेचुलेशन चाहिए। मैं बहुत कल्चर्ड वेल बिहेव्ड सोफिस्टिकेटेड पूरा शालीनता से भरा हूँ, पर इसके बाद मेरा ये भी करैक्टर है कि मैं बड़ा कट्टर और कठोर आदमी हूँ, इंडिसिप्लिन पे टॉलरेंस नहीं करूँगा। मैं बहुत एक घर का ही अपने फैमिली का ही इंस्टेंस कोड करता हूँ। जो साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे मैं उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर था, मेरे से बड़े ओम प्रकाश जी सगे भाई हैं उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, मेरे से 10-12 साल बड़े थे, फैमिली का एक अपना क्राइटेरिया था, फादर का फैसला था उन्हें बना दिया, मैं मिनिस्टर था, मैं इलेक्शन हो गया, बाई इलेक्शन था, ओम प्रकाश जी लड़े थे राज्यसभा के मेंबर थे, 6 महीने में कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट उन्हें मेंबर बनना पड़ता है उसका, वो मैं बाई इलेक्शन मिल रहे थे, उसमें जो उम्र के उन्हें ध्यान है बाकी इंजिंग ऑफिस थे उन्हें इस बात की जानकारी नहीं, उस बाई इलेक्शन में गोलियाँ चल गई 8 आदमियों को, मैं उनके नाम से जाने लग गया। I led a report with 6 ministers. We cannot say that council of ministers were masked and removed February 1993 were being done. And we do this associate. We 6 ministers ने अपने इस्तीफा दे दिया सरकार से। फादर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भाई चीफ मिनिस्टर था, पूरा देश हमारे हाथ में था, मुझे यह था कि घर में जाऊंगी माँ क्या कहेगी फादर क्या कहेंगे, मैंने इस बात की भी परवाह नहीं करी। तो मैं थोड़ा सा आपको वार्न भी कर रहा हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में सुधार कर, अगर सुधार नहीं हुआ तो मैं बहुत नरम आती हूँ, पर फिर कोई लिहाज भी नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कहीं भी कोई बीच में आएगा भी नहीं, या तो सीएम साहब मेरी सुनेंगे नहीं सुनेंगे तो मैं इस्तीफा दे के अलग खड़ा करूँगा इस तरीके का करें तो थोड़ा सा मुझे आपका साथ दें। मैं एक उदाहरण में मैं मेरे से बता दूँ कि मैं मेरी ओम प्रकाश जी की 7 साल पूछी है, हम आपके दोनों फेज से जुड़े हैं, जो आपका एक वी आई पी लाइन कह दें उसे आप वोट लाइन कह दें उससे भी मेरा घर जुड़ा हुआ है, वो सी एम थे तब हो गया था, मेरी भी पूरे साल जुड़ी है, उसके बाद कई बार बिजली चली जाती है और मैं आपको चले भी ऐसे कहता हूँ फोन कर, फिर वो 2 बार कट्टा कहते जी भेज रहे हैं अभी भेज रहे हैं आदमी नहीं आता, कहते जी पीछे वो उसमें ट्रांसफार्मर सट गया ठीक करने जा रहे हैं अभी जा रहे हैं अभी जा रहे हैं, यूँ करते करते 2-3 घंटे निकल जाते हैं। अच्छा आदत ऐसी बन गई कि बिना एसी नींद नहीं आती, बात सोने की कभी रिवाज नहीं है, फिर मैं कहता हूँ नहीं जरा मेरी बात करवा, गलत नहीं कह रहा सच्चाई बात कह रहा हूँ, आम आदमी की बात को छोड़ो, मैं फोन करता हूँ और 4-5 दिन चले जाते कोई उठाता नहीं, अब मतलब वो जो लाइन मैन है वो इतना लालायक हो जाता है कि वो फोन ही नहीं उठाता, तो आम आदमी के साथ तो क्या होता होगा, तो मैं कह रहा हूँ जरा जो एस डी ओ साहब है जिसके लाइन में ऐसा काम हो उन्हें सुधार लें, अगर फिर हो गया तो फिर सबको सफर करना पड़ेगा। मैं इसमें अभी वो मैं 1 महीने में तहल का बचाऊँ मैं ये भी आपसे छुपा नहीं रहा, मैं कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि मुझे शिकार काम मिलता है, मैं एक ही काम पे लगाऊँ, तो थोड़ा सा आप अपना डिपार्टमेंट एकदम उससे सावधान हो जाए, कोई इस तरीके की गलती है पिछली घड़ी 9-10-11-12 बजाती है,
12 के बाद वापस 11 पे नहीं जाती, आगे 1 से चलती है। जो हो गया उसे मैं भी नहीं देख रहा, उस पर काटा मारता हूँ, पर अब आइंदा ये मामला कहीं नहीं है। ये जो कई बार होता है ना, ये लाइन दो सबक निकालू, मैंने मेरी प्रेस ब्रीफिंग में कहा, कल मैं कैसे मीटिंग है, उसके बाद चंडीगढ़ प्रेस क्लब है, तो कहीं अभी भी ऐसा कुछ नहीं कहता जो स्टेट में कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा, कोई चीज़ मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मुझे ठीक इनपुट्स मिले, तो उसके बाद मैं एक्शन पे आऊँगा। मेरा आपसे ये कहना है कि महकमे को अलर्ट कर लें, ढीला मामला नहीं चलेगा। जेलों में भी पंजाब में तो थोड़ा हो जाता है कि जेल में सुरंग बना के बाहर निकल के ऊपर रस्से से बांध के भी बाहर निकल जाते हैं, जेल के अधिकारी भी मिल के कई ऐसी घटनाएं हो जाती है। हरियाणा इतना नहीं है, बिहार पंजाब तो थोड़ा बदनाम है, पर ये मोबाइल की बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आनी नहीं चाहिए। अगर वो मीडिया में छपती है तो सरकार की भी बदनामी है, मेरी भी बदनामी है। तो मैं थोड़ा सा जेल के कंसर्न ऑफिसर को भी दूंगा, एच सी साहब से कहूँगा कि मैं थोड़ा सा जो एच सी पावर फोन है अगर एक थोड़ा सा वर्क करके मेरे से शाम को 8 बजे 9 बजे, क्योंकि सुबह मैं चला जाऊँगा कल कैबिनेट मीटिंग है। ये जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी वाला मामला है, इसमें थोड़ा सा मुझे बताओ यहाँ की क्या प्रोग्रेस है, मुझे शाम को बता दें ताकि मैं अपडेट हो जाऊँ। हाँ, मैं अभी जाके आपके से जो सेक्रेटरी पावर है, आपके एम डी जो है कपूर साहब, बाकी जो चीफ इंजीनियरिंग स्टाफ की मीटिंग, तो मैं अभी जाके करूँगा, उसके बाद फिर मैं एस सी लेवल तक का करूँगा। अपना जब एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर था 87 में, तब मेरे पास एग्रीकल्चर एक्साइज एंड टैक्सेशन और हर्ट जो डिपार्टमेंट था वो लॉ एंड जस्टिस था। एक्साइज एंड टैक्सेशन में मैंने एक जो काम करा था इसके साथ पास होने, जब मैंने एम शंकर बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर होते थे, आप तो रिटायर हो गए मेरे घर में है या नहीं है, और सीनियर है, बड़े ऑनेस्ट नाम था उनका, वो ETC थे। मैंने कहा जी सब ETC की मीटिंग बुला लो, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बनाई था एक्साइज एंड टैक्सेशन। पहली मीटिंग में मैंने कहा कि भाई जो एक्साइज एंड टैक्सेशन के जितने DTC बैठे हैं, इन्हें पूछो कि कितना टैक्स कलेक्शन किया है। सेकेंड सवाल है कि एरियज रिकवरी कितनी है, वो मुझे सब की बताओ। तो जिनकी सबसे बढ़िया थी उन दो DTC को मैंने वहीं कहा कि इन्हें नंबर 1 और 2 जो सबसे बढ़िया हरियाणा की पोस्टें वहाँ भी दे दो, सबके सामने से तो वहीं पोस्टिंग। अब मैंने CM साहब से अप्रूव करवाया, सबके साथ पड़े जो सब जो डेवलप चीज हो सकते हैं तो रिवार्ड भी करेंगे, अच्छे ऑफिसर उसे प्रमोट करेंगे, बिना रीजन छोड़े मूर्खता में कोई फैसला नहीं करूँगा, रीजन एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा, पर काम चाहिए, काम जो वो मेरिट से करें, थोड़ा सा आलस छूटे, टाइमली अपने दफ्तर में रहें। और विन साहब की तरह मैं भी करूँगा, मैं कोई खाली एक्शन नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कोई बड़ा स्कैंडल पकड़ूँ, कुछ हो धमाका हो, वो तहलका मचे, ऐसा काम करना चाहूँगा। तो थोड़ा सा आप अपने डिपार्टमेंट में सभी को अलर्ट करें, इस बैंक को बढ़िया चलें, हमें काम से मतलब है कि हमारा यहाँ टेक ऑफ अच्छा हो, लोगों को रिलीफ डिलीवर हो, उसमें मेरा आपको सबसे निवेदन है। बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारा बैठा, हम सब बैठे हैं, DG साहब, SP साहब, हमारे मैडम बैठी हैं, सब इंचार्ज हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, प्रोटोकॉल से